तो फिर ये फैमिली कल पीस मेकर जॉन सीना की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने के बाद आप में से बहुत लोगों ने कल की वीडियो में कमेंट किया कि भाई और भी WWE के सुपरस्टार्स हैं जो जॉन सीना की तरह सुपर हीरो बने हैं, जैसे कि ब्लैक एडम, रॉक और ड्रैक्स बटिस्टा। तो पीस मेकर को आज ज्वाइन कर रहे ब्लैक एडम, रॉक और ड्रैक्स बटिस्टा। और इससे पहले मैं अपोजिट टीम के बारे में बात करूं, मैं आपको बोल देता हूं भाई कल की लाइव स्ट्रीम आपने मिस कर दी है तो देख लो, क्योंकि कल की लाइव स्ट्रीम के बारे में मैं अभी स्पॉइलर देने वाला हूं, तो जाओ उसको पहले देख लेना। तो जैसा आपने कल की लाइव स्ट्रीम में देखा कि पीस मोड ब्रॉक लेसनर रोमन की गद्दी के फिनाले में पहुंच गए, यानी कि इस आने वाले फ्राइडे को रोमन अपनी गद्दी डिफेंड करेंगे बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर से। और जैसे WWE में होता है ना कभी कभी, ये दो दुश्मन जो बहुत बड़े दुश्मन है दोनों टैग टीम मैच में रहते हैं, इसीलिए आज बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस आज टैग टीम मैच में फाइट कर रहे हैं और इनको ज्वाइन करेंगे रैंडी ऑर्टन। चलो देखते हैं कि ये बीस्ट मोड जो कि रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले इस फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम में, वो आज कैसा खेलते हैं। और कल तो जॉन सीना ने अच्छा खेला था, तो आई होप कि पीस मेकर जॉन सीना अच्छा ही खेले। और रोमन के फैंस टेंशन मत लो, क्योंकि बीस्ट मोड आए तो गॉड मोड रोमन रेंस भी आएंगे। इस मैच के बाद गॉड मोड रोमन का एक सिंगल्स मैच होगा, यानी कि एक वीडियो में दो दो मैच, इसी बात पे लाइक तो कर ही लो। पीस मोड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कमुरा लोकाई ब्लैक एडम को इतना जल्दी एलिमिनेट, 596 ओवरऑल था ब्लैक एडम का। ब्लैक एडम को देखने का मतलब मौका ही नहीं मिला, रॉक सर को एलिमिनेट कर दिया इतना जल्दी। भाई ये पीस मोड चैलेंज करने वाले फ्राइडे को रोमन को, रोमन की गति क्या लगता है भाई बचा पाएंगे ऐसे। इसके बाद गॉड मोड का भी मैच हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसा आप लोगों ने वोट किया कि इस बीस मोड से अपनी गति डिफेंड करेंगे भाई गॉड मोड रोमन रेंस। तो एटलीस्ट पीस मेकर सीना ने एक फिनिशर तो लगाया, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं एक फिनिशर लगाकर। सीना एक और फिनिशर लगाओ शायद उससे कुछ फर्क पड़े। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये जो 95 के ऊपर जिसका भी ओवरऑल रहता है वो एक फिनिशर में एलिमिनेट नहीं होता है, और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है। हाँ होता था, लेकिन वो अपडेट आने के बाद से ऐसा होना बंद हो गया था। ये पता नहीं बीस मोड क्या ही आदमी है भाई, एक फिनिशर में एलिमिनेट कर दिया, एक F10 भी लगा दिया पीस मेकर। खैर की सीना एलिमिनेट नहीं हुए भाई एक फिनिशर में। रोमन को टेंशन ही नहीं है, जान रहे कि भाई ब्रॉक लेसनर संभाल लेंगे। पीस मोड आग लगाने वाले हैं फ्राइडे को, पता है गॉड मोड वर्सेस बीस मोड। भाई ये मुझे लगता है कि रोमन की गद्दी के लिए ना सबसे ज्यादा टफ चैलेंज हो गया है, क्योंकि 2K22 में, अगर आपको याद नहीं तो याद दिलाता हूँ, 2K22 में ऑलमोस्ट ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया था, लेकिन फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच रोमन जीत गए थे, इसलिए रोमन की गद्दी बच गई थी। तो ये पीस मोड तो वो जो 2K22 के ब्रॉक लेसनर थे उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि गॉड मोड खतरनाक नहीं है, इसे देखो हाइप करने से अच्छा है कि सामने देख लोगे तो ज्यादा पता चलेगा। इसलिए आज ये मैच के बाद गॉड मोड रोमन रेंस का मैच ब्लैक एडम के साथ करेंगे, क्योंकि ब्लैक एडम रॉक को इतनी मुश्किल से डाउनलोड करा था, देखने का मौका ही नहीं मिला कि वो कैसे है क्या है। तो वो मैच में हम लोग नॉकआउट नहीं रखेंगे, नॉर्मल मैच रखेंगे, ताकि ब्लैक एडम रॉक भी परफॉर्म कर पाए। सिक्स मैन टैग टीम मैच को बीस्ट मोड छोटा कर देंगे भाई, इसीलिए मैं नहीं लाना चाहता हूँ बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि हारा हुआ मैच ही जिता देते और ये मैच तो स्टार्ट ही किया है बीस्ट मोड ने। अब समझ रहे हो आप लोग मैं जॉन सीना को हमेशा आगे क्यों रखता हूँ, ताकि मैच लंबा जाए। बीस्ट मोड को आगे रखने का मतलब है, देख लिया ना भाई, आप समझ नहीं हो कितनी बड़ी बात है, 96 ओवरऑल वाले आदमी को एलिमिनेट किया एक फिनिशर से। और ये चीज एक दो महीना पहले होता ना मैं सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि ये होते रहता था कभी कभी, लेकिन ये अभी हुआ है जब अपडेट आने के बाद ये चीज बंद हो चुका है। एक फिनिशर से अब कोई एलिमिनेट नहीं होता है, चाहे उसका ओवरऑल कितना भी कम हो, बल्कि दो दो फिनिशर भी लोग झेल जाते हैं। तीन फिनिशर से हाँ एलिमिनेट हो जाए कोई, पीस मेकर और बीस मोड काउंट आउट मत करवा लेना, इतना अच्छा खेल रहे दोनों ही। पीस मेकर भी आज अच्छा खेल रहे हैं, कल अच्छा खेला था तो मुझे बस वही लग रहा था कि आज अच्छा खेलेंगे या नहीं, तो ये पीस मेकर भी ब्लैक एडम से तो बहुत अच्छा खेल रहे भाई, उनको कुछ मौका ही नहीं मिला। पीस मोड जा रहे टैग देने, किसको टैग मिलेगा, रैंडी ऑर्टन को, वाइपर पुराने दुश्मन, सांप और नेवली की दुश्मनी। पीस मेकर दोनों एक दूसरे को RKO देने वाले थे, जॉन सीना ने आई थिंक मूव थीप अपना एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन रैंडी ऑर्टन को लगा नहीं, दोनों ही उछल गए। अगर दोनों को लग जाता RKO तो क्या खतरनाक दिखता। क्लासिक ऑर्टन अच्छा स्लैम लगाया, लेकिन पिनफॉल तो होगा नहीं। बटिस्टा बचाओगे, हाँ ऐसे बटिस्टा बचाने नहीं आ रहे। ब्रॉक ने ऑलरेडी एक फिनिशर लगा के जॉन सीना को वीक कर दिया, कि F10 जोरदार वाला लगाया था, RKO बचा लिया सीना ने। सीना अच्छा खेल रहे, लेकिन बिना फिनिशर दिए रैंडी ऑर्टन भी कहां मानने वाले, एक और फिनिशर चिपका दिया पीस मेकर, जॉन सीना भी एलिमिनेट हो गए। और लास्ट बचे ड्रैक्स बटिस्टा, इवोल्यूशन के दोनों मेंबर्स, एल जो लाइव स्ट्रीम में जीते ना बीस्ट मोड रोमन से और फिर जॉन सीना को हराकर, उस टाइम से बीस्ट मोड कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गए हैं, और आई थिंक के फ्राइडे की तैयारी अच्छी कर रहे हैं। रोमन को टैग दे सकते हो, रोमन की भी तो परफॉर्मेंस देख लें। ऐसे फ्राइडे को ये वाले रोमन नहीं रहेंगे, सबने वोट किया है गॉड मोड के लिए, तो गॉड मोड ही को ले लूंगा, ताकि फिर रोमन के फैंस ऐसा नहीं बोले कि भाई आपने चीटिंग करी और गॉड मोड को नहीं लिया। दोनों के मोड से तो दोनों मोड्स रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्या। ऐसे अगर आपको लगता है ना कि 2K23 के रोमन खतरनाक है, तो अभी आज गॉड मोड की परफॉर्मेंस देख लेना, मुझे यकीन है कि वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जब जब आए गॉड मोड भाई, ऐसा मैच देखने को मिला है ना कि आप लोग यकीन नहीं करोगे।
अब यहाँ ड्रैक्स ने अपना फिनिशर लगा दिया है बटिस्टा बॉम्ब। रोमन को ऑब्वियसली नॉर्मल रोमन भी है, लेकिन पिनफॉल तो होगा नहीं। तीन फिनिशर लगेगा भाई, क्योंकि ये नॉर्मली रोमन थे ना, उन्होंने अपनी गति इतनी टाइम तक बचाई है। लेकिन एक और फिनिशर लगा दिया है ड्रैक्स ने। जब मॉड आते हैं ना, तो मॉड की बात अलग ही रहती है, जैसे कि ये ड्रैक्स भी मॉड ही है ना। नॉर्मल सुपरस्टार को नॉर्मल सुपरस्टार से भिड़ाओ तब ठीक है, लेकिन मॉड जब सुपरस्टार आ गए तब उनकी थोड़ी बात अलग रहती है, उनके कैलकुलेशन अलग रहते हैं, टूके से हटकर ज्यादा खतरनाक खेलते हैं वो लोग। रोमन टैग देना है क्या? दो दो फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है। रोमन ऐसे पिनफॉल नहीं होगा, इतने भी आसानी से नहीं जाएंगे बटिस्टा भाई। एक बार सोचो, अगर ड्रैक्स ने तीनों को एलिमिनेट करके 1v3 कर दिया तो कितना बड़ा शॉकिंग काम हो जाएगा। लेकिन मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑटन की फुल हेल्थ है और बटिस्टा ऑलरेडी अभी से पिट चुके हैं। रोमन के पास दो दो फिनिशर है, दो लगा दिया, आई थिंक उसमें बटिस्टा चले ही जाएंगे। पीस मोड को टैग दो ना रोमन, क्योंकि गॉड मोड की तो परफॉर्मेंस अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे, लेकिन पीस मोड अभी और देखेंगे तो और मजा आएगा ना। जब रोमन कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहे कि दोनों ने एक एक एलिमिनेशन किया, यानी ब्रॉक और ऑटन ने, इसलिए तीसरा एलिमिनेशन रोमन करना चाह रहे हैं। रोमन तो फिनिशर दो अगर तीसरा एलिमिनेशन करना है तो। गिलेटिन नहीं, गिलेटिन भी नहीं दिया रोमन, ओ ले जा ही रहे टैग देने के लिए, लेकिन बटिस्टा जाने नहीं चाह रहे। ओके बटिस्टा, ड्रैक्स ने किसी तरह अपने सिग्नेचर का जुगाड़ कर ही लिया, स्पाइन बस्टर या स्पियर ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तक देखा नहीं है, लेकिन हाँ वही बटिस्टा ही वाले मूव्स होंगे ना। नॉर्मल वाले रोमन भाई इतना कैसे पिटने लगे, इतना तो पिटते नहीं थे, लेकिन हाँ बोल सकते हो आप कि ड्रैक्स का भी तो मॉडी है ना, लेकिन फिर भी इतना नहीं मार खाते थे। चलो मार भी खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नॉर्मल रोमन भी इतनी आसानी से एलिमिनेट होंगे। अब सामने ओमनी मैन थोड़ी है भाई, ओमनी मैन होते तो बात अलग थी। टीसा ने अपना दो फिनिशर दे दिया, बॉडी भी ऑरेंज कर दी है रोमन की, लेकिन रेजिलेंस तक अभी नहीं गई है। बटिस्टा थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक स्पियर और एक फिनिशर, तब शायद रेजिलेंसी जाए। रेजिलेंसी भी ले जाना मुश्किल है रोमन का भाई, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो कोई और अभी तक किंग नहीं बन जाता। इतना वेट मत करो ड्रैक्स, अगर जीतना है तो अरे देखो सामान लेने के चक्कर में, ये भाई ये जो स्टील स्टेप्स का चक्कर है ना, नहीं सामान लेने नहीं, मुझे लगा कि सामान के लिए वेट कर रहे, लेकिन नहीं दोनों ही सामान का वेट नहीं कर रहे। रोमन फिनिशर के लिए जा रहे थे, बटिस्टा आई थिंक स्पियर के लिए जा रहे थे, पर रोमन ने अपना स्पियर दे दिया। रेजिलेंसी गई भाई, बॉडी लाल है, हेड ऑरेंज है, रेजिलेंसी जानी है खत्म। रोमन टैग दोगे या फिनिशर देगी खत्म करोगे? रोमन फिनिशर देगी खत्म कर सकते थे, लेकिन टैग देने जा रहे हैं। बीस्ट मोड को, बीस्ट, अरे बीस्ट मोड को देते ना, रैंडी ऑर्टन की परफॉर्मेंस तो हम लोग कभी भी देख सकते हैं। अभी बीस्ट मोड का हाइप है, क्योंकि फ्राइडे को वही चैलेंज कर रहे हैं रोमन को, पर लगता है कि इस ड्रैक्स को अपने ऑर्टन ही डसेंगे। ऐसे रियल लाइफ में कब आ रहे ऑर्टन डसने के लिए भाई? सबको रिटर्न आ जाओ ना ऑर्टन, सुनने में तो आ रहा है कि ऑर्टन की इंजरी ठीक हो गई है, प्लीज ऑर्टन रिटर्न आ जाओ। जॉन सीना भी अभी WWE में है ना, तो ऑटन आ जाएंगे तो दोनों टैग टीम कर सकते हैं। दुश्मनी तो मत ही करना, अब दोनों फेस रहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो दोनों टैग टीम कर सकते हैं। ये देखो बीस्ट को पीट दिया, क्या जरूरत थी बटिस्टा? अब रोमन की तरफ जा रहे हैं, ऑटन पे ध्यान, जब शाम घूमते रहे ना बटिस्टा तो और कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ड्रैक्स वाले बटिस्टा इतने लंबे टाइम तक दिख गया, यही बड़ी बात है पता है, क्योंकि बाकी दोनों को देखा कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गए। सामने वाली टीम थी खतरनाक, फंसा के जल्दी पिनफॉल नहीं होता है, लेकिन आज हो सकता है क्योंकि रेजिलेंस नहीं थी ड्रैक्स के पास, आज फंसा के पिनफॉल कर लिया ऑटन ने। वाह ऑटन वाह। तो फेल आर्मी क्या सोचो, अभी जाने का टाइम हो गया? ना 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 ना, अभी वीडियो बाकी है मेरे दोस्त। गॉड मोड रोमन की परफॉर्मेंस बाकी है, गॉड मोड रोमन रेंस वर्सेस ब्लैक एडम 1v1। तो फेल ये फैमिली, आज ही मैंने ब्लैक एडम को डाउनलोड किया था, लेकिन 3 सेकंड में वो एलिमिनेट हो गए थे। पर ऐसा इस मैच में नहीं होगा, क्योंकि इस मैच में दोनों के पास भले ही तीन तीन फिनिशर है, पर इस मैच में नॉकआउट नहीं है। जीतने का सिर्फ दो ही तरीका है, पिनफॉल सबमिशन या काउंटआउट से भी जीत सकते हैं। और फेल आर्मी जल्दी से ना अपने को 450K करना है, क्योंकि उसके बाद फिर से एक Q&A होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, रोमन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ठोका है, तो रोमन ने जैसे स्पीयर ठोका ना वैसे ही लाइक को भी ठोको आप जल्दी से। ब्लैक एडम के पास तीन तीन फिनिशर है, गॉड मोड रोमन के पास दो फिनिशर, क्योंकि एक ऑलरेडी अपना लगा दिया है। ब्लैक एडम अभी भी परफॉर्म करेंगे सर? हाँ सर अभी परफॉर्म करना है, एक फिनिशर रोमन को लगाना कम से कम, तीन तीन है आपके पास। हमें जानता हूँ गॉड मोड बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक फिनिशर तो लगाते ना रॉक सर। कोई नहीं सर, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये है कुछ ज्यादा ही खतरनाक। अब सोचो ये रोमन वर्सेस बीस्ट मोड में आके सब कुछ करते ही दे रहे ब्लैक एडम को। 96 ओवरऑल इनका, मैं फिर से बता रहा हूँ 96 है। अब सामने गॉड मोड है तो रॉक क्या करे? रॉक सर रेजिलेंसी यूज नहीं करी, ये बहुत ही अच्छा काम किया सर आपने। दो फिनिशर अभी भी आपके पास है, एक एक लगाने का ट्राई करो ना रॉक बॉटम या पीपल्स एल्बो, दोनों में से कुछ एक भी लगाने का ट्राई करो सर। रॉक बॉटम लगाओ, अभी अभी अच्छा मौका था, ड्रॉप किक से अच्छा था सर रॉक बॉटम। रोमन को पता नहीं चलता एक फिनिशर लग जाता। सर क्या कर रहे हो बाहर? ओ नहीं, मुझे लगा बाहर फेंक रहे हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वेपन्स यूज कर सकते हैं। रॉक सर सीरियसली सर पिनफॉल करोगे? अभी एक भी फिनिशर नहीं लगाया, लेकिन ठीक है अब आपके पास अपर हैंड है। रॉक बॉटम की जगह रॉक पता नहीं क्या कर रहे हैं।
फिनिशर देना चाहिए तो देख लो, पीठ की हड्डी तोड़ रहे हैं सर, क्या क्या कर रहे हैं, वेपन्स लेने गए। हाँ ये भी अच्छा है, रोमन की बॉडी येलो कर दी वेपन से मार मार के, लेकिन देखो मैं गारंटी अभी दे दे रहा हूँ, 99.9999% चांस है गॉड मोड रोमन नहीं हारने वाले। रिंग के बाहर भी ये फिनिशर लगाते हैं भाई, रिंग के बाहर। अच्छा जल्दी आप लोग देखते हो किसी को फिनिशर लगाते हुए, मैंने बोला था जब ये मॉड मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि ये वाला मॉड नेवर गिव अप सीना का और पीस मोड ये कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया है मैंने। तो ये देखते हो रिंग के बाहर भी ये लोग फिनिशर लगाते हैं, जबकि रिंग के बाहर ना पिनफॉल है ना सबमिशन, मूव थीप भी लगा दिया, रॉक बॉटम भी लगा दिया। देख रहे हो रॉक का एक और फिनिशर गया, क्योंकि मूव थीप लगाने की वजह से रॉक सर का फिनिशर भी छीन लिया है। हमेशा बोलता हूं भाई इस गॉड मोड का नाम चेंज करके ना हैक मोड रख देना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो हरकत, एक फिनिशर रॉक को लगाने नहीं दिया। और ये देखो अब क्या कर रहे हैं, रॉक को सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहे, एल्बो ड्रॉप कूद गई, ये देखो पिनफॉल, रेजिलेंसी गई क्या, इतना मार खा ही गए, रेजिलेंसी जानी थी भाई, इतना मार खा चुके थे, लगातार नीचे दो फिनिशर पड़ा है, एक स्पीयर और अपना ही दूसरा फिनिशर रॉक बॉटम। मैच खत्म सर, एक फिनिशर तो लगा दो, तीन तीन फिनिशर दिया था वो तो अच्छा हुआ, रोमन अपना स्पीयर मिस कर गए गलती से, वरना अभी मैच खत्म था। कभी ऐसा मैच देखा जब सामने वाले को तीन तीन फिनिशर दिया हो जिसका 95 के ऊपर ओवरऑल हो और वो अपने एक फिनिशर नहीं दे पाए, जबकि रॉक बॉटम में डबल रिवर्सल भी नहीं है, अगर एक बार कनेक्ट कर दिया तो लग ही जाएगा, लेकिन सर दे ही नहीं पा रहे रॉक। अभी अच्छा चांस है, चेयर था, अब रॉक बॉटम देते लेकिन गिलिटीन, मैच खत्म, मैच की समाप्ति यहीं पर घोषित कर देता हूं मैं, क्योंकि ये खत्म है, मैच खत्म हो रहा है, रोमन की ऑलमोस्ट फुल हेल्थ है। ये गॉड मोड वर्सेस बीस्ट मोड भाई, आग लगने वाली है फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम में, खतरनाक मजा आएगा। तो बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर और गॉड मोड रोमन रेंस, दोनों की परफॉर्मेंस आज आप लोगों ने देखी, तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या लगता है फ्राइडे को इस 2K23 की गद्दी पर कौन बैठेगा, या रोमन ही बैठे रहेंगे हमेशा की तरह, या फिर एक नया किंग बनेगा 2K23 का बीस्ट मोड ब्रॉक लेसनर। कमेंट बताओ, जाने से पहले लाइक करना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।